शिवपुरी जिले में इस समय किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों गेहूं व अन्य फसल की बुआई तेजी से हो रही है। ऐसे में किसानों के सामने खाद का संकट पैदा हो गया है। खाद वितरण केंद्रों पर इस समय डीएपी खाद और यूरिया के लिए मारामारी मची हुई है। किसानों को एक बोरी खाद के लिए लाइन लगकर धक्का मुक्की करनी पड़ रही है। बावजूद इसके डीएपी नहीं मिल पा रही है, वहीं अधिकारियों ने दावा किया है कि सभी किसानों को खाद मिल रहा है। ऐसे में केंद्रों पर लंबी लाइन और धक्का मुक्की व्यवस्था की पोल खोल रही है। शुक्रवार को शिवपुरी के लोधावली खाद वितरण केंद्र पर व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। यहां पर किसानों की लंबी लाइन लगी थी। वितरण केंद्र पर नेट व्यवस्था फेल होने के कारण यहां किसानों को खाद की रसीद नहीं बन पा रही थी, जिससे किसान परेशान से थे। और कई किसानों ने बताया कि वह 2 से 3 दिन से यहां आकर लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। कल को कड़वा है तो? नहीं मिल रहा कहा पते हो फाई मिल नहीं रहा हम चला पीवी कुछ हम चला साधन है तनंजा बीड़ी अतना खाद के चक्कर में खाद मिल नहीं रहा कल के कड़े हैं साठ कर रहे हैं कि चल रही है नहीं चल रही साठ बंद करके डाल ये कहा पता क्यों करके डाल और ट्रोली तो भर रहे हैं जब इनको कुछ पता नहीं जब कैसे भर रहे हैं साठ की भर रहे हैं क्या साठ की भर रहे हैं ऐसी कौन सी बात हो गई जनता कहा पता बिलक बच रहे हम तो देख रहे हैं कि बंद जा रहा है इनसे जा रहा है हाँ भर भर के जा रहे हैं ट्रोली भर गई पांच सात क्या किसी भर गई एटीसीएम भर गई। अभी यहाँ पर खाद की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है और 2 काउंटर चालू कर दिए हैं और क्रम से लाइन लगा के पर्ची लगा के वितरण दिया जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पानी की व्यवस्था कर दी है, छाया पानी की व्यवस्था कर दी है और कभी कभी सर्वर में दिक्कत आती है इसलिए थोड़ा अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, वितरण व्यवस्था सही चल रही है। नहीं कहीं नहीं, मैं हम लोग सभी जगह सत्यापन कर रहे हैं, स्टॉक चेक कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने एडीएम साहब के साथ चेक किया था, उस पर भी एक कार्रवाई की गई है सीटीएडएम वाले से। पर्याप्त खाद है, हल्की प्रॉब्लम आ जाती है तो इसलिए थोड़ी किसानों को भी दिक्कत आती है। शिवपुरी से ईएमएस टीवी के रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।